हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ आर्केडियन फार्म हाउस, और मैं आज इसलिए आया हूँ कि मेरे कज़न्स ने मुझे इनवाइट किया था, मेरी अम्मा को और मुझे और पूरी फैमिली को इनवाइट किया था यहाँ पर। यह आर्केडियन फार्म हाउस से ये मेमन गोट में आगे आके ही, तो मेमन गोट के अंदर ही है ये। तो आप लोगों को पता होगा, वैसे भी कराची में नियरली सारे फार्म हाउस ही मेमन गोट के पास हैं। तो चले मैं आप लोगों को अंदर का दिखाता हूँ अभी। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये फार्म हाउस कैसा लगा। गाइस, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एक छोटे से टूर में, फार्म हाउस का एक छोटे सा टूर देता हूँ। वैसे तो काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है, और रहने की भी जगह है, बेड्स वगैरह भी हैं, और स्विमिंग पूल के लिए नहाने की भी जगह है। पहले नहा के फिर स्विमिंग पूल में जाएँ, फिर वापस आके शावर लें। उसके बाद एक क्रिकेट पिच भी बनी हुई है छोटी सी, और यहाँ पर पूरा गार्डन भी है जहाँ पर आप फुटबॉल अलग स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मेन गेट है जिससे आप एंट्रेंस होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है। ये मुझे बेसिकली नहीं पता कि किस चीज़ की जगह है। और उसके बाद ये आप छोटा सा गेट आता है जिससे रियल एंट्रेंस होती है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आप फार्म हाउस में एंटर होंगे तो वो सारे खड़े में, मेरी फैमिली, बाबा, अम्मा और ज़ारा। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, और सबसे पहले आप एंटर होते हैं तो ये आपको घोड़ा नज़र आएगा, और ये पूरा पाथ नज़र आता है। ये पाथ के आगे जाते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पाथ के आगे जाएंगे तो आपको पूरा गार्डन मिलेगा जहाँ पर क्रिकेट पिच वगैरह भी है, आपको अभी दिखाता हूँ। तो मेरे साथ अभी ट्यून रहेगा, सही है। तो सबसे पहले गाइस, आप अगर आप यहाँ से एंटर हुए और यहाँ पर सीधा आए इस पाथ पर, तो आपको एक हिरन दिखेगी यहाँ पर। अभी तो ये रेस्ट कर रही है, लेकिन अभी भाग रही थी, दौड़ रही थी, और ये चल रही थी। अभी मैंने इसको हाथ भी लगाया था। तो ये बड़ी खूबसूरत जानवर यहाँ पर छोड़े हुए हैं, जैसे कि मोर, हिरन, और आपको अभी अपडेट्स देते रहता हूँ इस फार्म हाउस के बारे में। आप लोगों में अपडेट करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा लिविंग का एरिया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो बेडरूम्स हैं, यहाँ से मेन एंट्रेंस है इस दरवाजे से। तो आप एंटर होते ही यहाँ पर पहले थोड़ा बैठने की जगह आ जाती है। यहाँ पर दो सोफ़े लगे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्पीकर्स हैं, अगर आपको कोई नाद गाना वगैरह चलाना हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम बेडरूम नंबर वन में आते हैं। बेडरूम नंबर वन में सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको आराम करना हो तो यहाँ पर सोफ़ा है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, और यहाँ पर एक बेड है। ये बड़ा स्पेशियस है ये पूरी जगह, और बड़ा अच्छा फॉर्म हाउस है, आपको पूरा दिखाते रहूँगा अभी मैं। और चलें आपको किचन वाला एरिया दिखा देता हूँ। किचन वाला एरिया में साइड में ये है, ज़्यादा चूल्हा वगैरह नहीं लगा, लेकिन वैसे खाना वाला वगैरह लेके आते हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये सब बना हुआ है। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पर, और गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेरे ख्याल से अच्छा, ये मुझे पहले लग रहा था एक कमरा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये कैरम की जगह है पूरी खेलने की। एक और एक्स्ट्रा वॉशरूम वहाँ पर है, और ये पूरी पूल यहाँ पर खेल सकते हैं आप। अगर आप पूल वगैरह खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप पूल भी खेल सकते हैं। अच्छा, बेडरूम ये रहा। तो गाइस ये रहा दूसरा बेडरूम, और उसी बेडरूम की तरह यहाँ पर दो सोफ़े हैं बैठने के लिए, और एक बेड है रेस्ट करने के लिए। गाइस हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इतनी जल्दी आ गए, मतलब ये खुला नहीं था, उससे पहले हम आ गए थे और फिर इन्होंने आके खोला था ये, सही है। तो हम इतनी जल्दी आ गए हैं कि जो है अभी तक स्विमिंग पूल साफ़ ही हो रहा है, अभी इसकी पूरी सफाई होगी। उसके बाद अभी मेरे कज़न वगैरह थोड़ी देर में पहुंचेंगे, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, तो उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। और अभी पूरा टूर नहीं हुआ है, अभी मैं आपको ही करवाता हूँ टूर। ये देखें ये वैक्यूम कर रहे हैं ये भाई, यहाँ से नीचे जो कचरा बैठा हुआ होता है ना, वो सारा निकल के यहाँ से पूरा वहाँ ग्रास पे जा रहा है। गाइस सबसे बेस्ट पार्ट चेक करें, यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मोर भी हैं। ये देखें आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें इतने प्यारे खूबसूरत मोर हैं यहाँ पर। और ये देखें ये इतने सारे बकरे जानवर, ये बकरे हैं, और मैं आप लोगों को गाय भी दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, जानवर के अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पूरा गार्डन है बहुत बड़ा सा, और यहाँ पर इन्होंने क्रिकेट पिच भी बनाई हुई है बच्चों के लिए, कि बच्चे आके खेलें यहाँ पर, इन्जॉय करें। और
वहाँ आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर डक्स हैं या गोज हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को शायद नज़र आ रही हो। और उसके बाद यहाँ इस तरफ चलते हैं, बेस्ट पार्ट पे आते हैं। ये देखें यहाँ पर इतनी सारी गाय भी है, ये देख गाय। तो यहाँ पर है, ये देखें दूसरी पार्ट पे आ गए हम, फार्म हाउस के दूसरे हिस्से पे आ गए। तो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं कि लोग बैठे हैं, गपशप लगाएं। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी हैं कि अगर छोटे बच्चे हों आपके तो यहाँ पर आके झूल सकें। अब गाइस इस तरफ चलते हैं, ये पूरी है खाने की टेबल, वो जो सीट्स हैं यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर खाना खाया जाएगा। बहुत अच्छी टेबल है, मार्बल टॉप है इसका, और यहाँ पर लैंप्स भी लगे हुए हैं, अगर रात को हो तो यहाँ पर लैंप्स जला के खाना खाएं। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्विमिंग पूल में है ये नहाने की जगह है, नहाने की जगह मैं आपको सही से दिखाता हूँ, अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। ये देखें सबसे पहले गाइस ये नहाने की जगह है, शावर लेने की, आप शावर लेके फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में जाते हैं, सही है। शावर लिए बिना नहीं जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्विमिंग पूल आ गया, स्विमिंग पूल में अभी इन्होंने जालियों से पानी साफ किया है। और उसके बाद मैंने आपको ये पूरा टूर तो दे दिया, अब मेरे कज़न्स वगैरह आने वाले होंगे 15-20 मिनट में, और उसके बाद हम इंजॉय करेंगे और आपको आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा, सही है। अभी एक और अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर अलग अलग ना लूडो आप लोगों को गेम पता ही होगा, बड़ा मशहूर गेम है, तो लूडो बोर्ड गेम है बड़ा मशहूर। तो लूडो की यहाँ पर अलग से टेबल्स बनी हुई हैं, आप यहाँ पर गोटें भी होती हैं लूडो की, तो यहाँ पर आप लूडो भी खेल सकते हैं अपने फ्री टाइम में। और यहाँ पर ऑप्शन होता है आपको बारबेक्यू करवाना है, क्योंकि अभी बकरा ईद गुजरी है, तो आप गोश्त वगैरह अगर आपको बारबेक्यू करवाना हो तो वो भी करवा सकते हैं। ये देखें एक और टेबल लूडो की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग फार्म हाउस आए हुए हैं अपनी फैमिली पिकनिक के लिए, और जैसा मुस्तफ़ा ने आपको बताया है आज भी इतना एंजॉय कर रहा है, और इंशाल्लाह हम पूरा दिन बहुत एंजॉय करेंगे और उनको अपनी पूरी पिकनिक आप लोगों को भी एंजॉय करवाएंगे। ये मुस्तफ़ा की आप शॉर्ट चेक करें, यस ये देखें, ये जाएगी या नहीं जाएगी, ये ओ, ओ हो, थोड़ी सी रह गई बस, वैसे आता वाता नहीं है मुस्तफ़ा को खेलने। गई सॉरी 3 The winner is Mustafa. गाइस हमने स्विमिंग कर ली है, और आप देख सकते हैं कि मैं पूरा गीला हुआ हूँ अभी। अभी भी कुछ मेरे कजन्स यहाँ पर अभी हैं जो स्विमिंग कर रहे हैं, मैंने स्विमिंग कर ली है, और उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलेंगे। आप लोगों को पता है मैं स्पोर्ट्स के शौकीन हूँ, और यहाँ पर अभी क्रिकेट खेलेंगे हम, उसके बाद शायद फुटबॉल भी खेलने हैं, ऐसे ही सही। तो गाइस ये एंड है वीडियो का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस ये
एंड इसलिए है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ स्विमिंग की और क्रिकेट की ज़्यादा शेयर नहीं कर पाया। और वैसे हमने खाना वाना खा लिया था, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल में 4-5 घंटे रहे, उसके बाद क्रिकेट खेला और बहुत मज़े किए। अब मैं बहुत थक गया हूँ तो, और वैसे भी मेरे कज़न इतने ज़्यादा थे कि मैं बीच में टाइम ही नहीं मिला, भूल गया व्लॉग बनाना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाय गाइस।